35 एज में 15 लाख का घर बना के फादर को गिफ्ट कर रहे हैं और एक साल के अंदर गाड़ी ले रहे हैं। गाड़ी लिया, अब सोच सकते हैं आप आईफोन लिया, क्या कोई जॉब आपको इतना सब कुछ दे सकता है, क्या कोई बिजनेस आपको इतना सब कुछ दे सकता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना जीरो रुपए लगाए फादर को लाखों का घर गिफ्ट कर दिया, अपने लिए लाखों की गाड़ी ले रहे हैं। ये मोटिवेशन है इन लोगों के लिए भी, दिखाइए जरा, देखिए कितने सारे क्रिएटर हैं अभी के लिए, सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। तो बताइए, बिल्कुल बिना चैनल मोनेटाइज कराए, बिना चैनल मोनेटाइज कराए कितने रुपए कमाते हैं मंथली? मतलब मैं अगर अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो आज भी मैंने लगभग 10,000 की अर्निंग की है। दोस्तों, आपने यूट्यूब से पैसा कमाते हुए तो बहुत लोगों का देखा होगा चैनल मोनेटाइज करके, क्योंकि जिनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उनके चैनल पे ऐड आते हैं और वो उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन बिना मोनेटाइज किए, ठीक है, बिना मोनेटाइज किए यूट्यूब से पैसा कैसे कमाया जाता है, ये आज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। ठीक है, अभी हम दिल्ली आए हुए थे और ये भाई साहब जो है दिल्ली से हैं, और मैं आपको इनकी थोड़ी सी स्ट्रगल अगर बता दूं तो पहले ये डिलीवरी बॉय का काम करता था, पिज्जा डिलीवरी का काम करते थे भाई, और अभी मंथली लाख रुपए यूट्यूब से बिना चैनल मोनेटाइज किए कमाते हैं। yes. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सबसे पहले आपको इनका एक चैनल दिखाते हैं, ये चैनल है CA Academy, ठीक है, हाँ C2 Academy, ठीक है। ये जो चैनल है इस पे देख सकते हैं 23,452 सब्सक्राइबर है और इसपे $21 एस्टिमेटेड बनते हैं। लेकिन इसके अलावा ये अलग तरीके से पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं ये जो है हमें अभी लाइव इस वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बिना चैनल मोनेटाइज किए भी पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे इनका यही एक चैनल नहीं है, और भी चैनल्स हैं जो चैनल्स ये खुद दिखाएंगे, और यहाँ पे दिखाते हुए आपको बताएंगे कि उन चैनल से भी ये कैसे अर्निंग यहाँ पे ये कर रहे हैं। ये दूसरा चैनल है जिसपे की देख सकते हैं 65,000 सब्सक्राइबर है, एक पे 25,000 और 65,000। ये चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, फिर भी अगर आप वीडियो पे व्यूज देखेंगे तो देख सकते हैं 10,000, 6,000, 7,000 इस तरीके से व्यूज आते हैं। चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी अर्निंग कर रहे हैं। और चैनल दिखाइए, ये तो दो चैनल्स हुए, और एक चैनल देख लीजिए, और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन अर्निंग आप इससे भी करते हैं। तो अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप ही अपने जवान से बताइए कि क्या मतलब कैसे आप अर्निंग करते हैं। आपकी तो मोनेटाइजेशन से ज्यादा अर्निंग यहाँ पे नहीं दिख रही, या फिर चैनल कोई मोनेटाइज भी नहीं है फिर भी आपके सब्सक्राइबर बेस अच्छे हैं, तो आप अर्निंग यहाँ पे करते कैसे, विस्तार से बताइए ताकि हमारे ऑडियंस अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख पाए। भाई मेरा नाम है दीपक सिंह, वैसे मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, पहले मैं डोमिनोज में पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। तो भाई आप समझ सकते हो डिलीवरी बॉय की लाइफ क्या होती होगी। सही बात है, विद इन लगभग एक साल पहले मैंने जो अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था, और सर को भी मैंने बहुत ज्यादा देखा है, और मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे क्रिएटर को फॉलो किया था। बट मैं मतलब आपने एक साल पहले स्टार्टअप किया, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आई, मतलब आपको ये कहाँ से आया कि मतलब चैनल बनाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं तैयारी कर रहा था एज अ डिलीवरी बॉय के साथ साथ SSC की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे मैं राकेश यादव सर और आपके वीडियो टैग में जब मैं आप यूट्यूबर की लाइन में आया तो मैंने सबसे पहले सर को ही फॉलो किया था। ठीक है, क्योंकि सर थंबनेल पे बहुत सारा लिख देते हैं जिससे एक मतलब अंजान बिल्कुल होता है। हमें क्या है कि 8 साल हो गए यूट्यूब पे, तो हम कनेक्टिविटी कर पाते हैं कि यूट्यूब पे किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए जो क्रिएटर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, थंबनेल पे पूरा लिख देते थे कि जिसको जो दिक्कत होती थी वो थंबनेल पे पढ़ के ही मैं क्लिक कर देता था। बिल्कुल, तो मेरा मेन रीजन था जो सर के साथ जुड़ने का, वो यही रीजन था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ, लगभग मेरा 1.5 मंथ भी था। उसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, मेरा C2 अकेडमी पे ही पहला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मेरा 1500 व्यू आया था। मैं उसको वायरल ही बोलूंगा, जब किसी के व्यूज नहीं आते तो 1500 व्यूज ही उसके लिए बहुत कुछ। सही बात है, जिसके व्यूज नहीं आते हैं उसके लिए 100-200 व्यूज भी बहुत मायने रखते हैं अपने चैनल पे, और अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपने 1500 व्यूज कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, अपनी वीडियो को सर का कहना था कि आप मतलब यूट्यूब पे कंटिन्यूस रहो, तो मैंने क्या करा, मैं पहले एक दिन में एक वीडियो बनाता था, फिर मैं आया कि एक दिन में 3 से 4 वीडियो भी बनाए थे। जब मेरा एक वीडियो 1500 व्यू ला सकता है तो हो सकता है कि मेरा दूसरा भी कोई वीडियो वायरल हो जाए। ये कितनी बड़ी मोटिवेशन है अपने आप में कि अगर एक वीडियो 1500 व्यू ला सकता है तो और वीडियोस क्यों नहीं ला सकती, ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी मैं यहाँ पे इवेंट में आया हुआ था, भाई मिले, भाई ने कहा कि सर मैंने एक साल पहले आपको देख के स्टार्ट किया था और मैं परसों जा रहा हूँ गाड़ी लेने। कितने की गाड़ी ले रहे हैं आप? मैं अभी गाड़ी जो मैंने देखा है वो ग्रैंड विटारा देखा है और ब्रेजा देखा है, दोनों में से मेरे को फाइनल करना है 2 दिन में,
तो लगभग 16 लाख के आसपास का गाड़ी बताओ है भाई, 16 लाख की गाड़ी ले रहे हैं एक साल में और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, भी मैं आपको बता दूं, मैंने अपने फादर को लगभग 15 लाख रुपए का घर बनवा के गिफ्ट किया दिल्ली के अंदर। कितनी एज, कितनी? अभी मेरी 25 एज हुई है। 25 एज में 15 लाख का घर बना के फादर को गिफ्ट कर रहे हैं और एक साल के अंदर गाड़ी ले रहे हैं। गाड़ी लिया, अब सोच सकते हैं आप, आईफोन लिया, क्या कोई जॉब आपको इतना सब कुछ दे सकता है, क्या कोई बिजनेस आपको इतना सब कुछ दे सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना जीरो रुपए लगाए फादर को लाखों का घर गिफ्ट कर दिया, अपने लिए लाखों की गाड़ी ले रहे हैं। तो अब हाँ, आप आगे जिंदगी में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत छोटे हैं तो मैं बता दूं मेरे से शायद छोटा या कोई भी नहीं हुआ। सही बात, एक डिलीवरी बॉय की लाइफ आप सोच सकते हो क्या हो सकती है। ठीक है, मैं स्विगी जोमेटो इन सब में नौकरी करके यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, बट अर्निंग में मैं बात करूं तो बहुत भगवान ने जो है पिछले 6 महीने जो मेरे बिताए हैं तो वाकई में बहुत अच्छे बीते हैं। जिंदगी भर मैं ऊपर वाले का इसके लिए एहसान मानूंगा। और अब हम पॉइंट पे आएंगे भाई कि आखिर आपका चैनल तो मोनेटाइज नहीं है, अब बात करते हैं सब्सक्राइबर है, लेकिन आप अर्निंग लाखों में कैसे कर रहे हो, ये सबसे बड़ा सीक्रेट बताना है। सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है देखो सर, आपको पहले ये देखना है कि आप जो कितने ज्यादा यूट्यूबर से आपका कनेक्टिविटी। सही बात, ठीक है, सबसे बड़ा मेन मोटिव है अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपका कनेक्टिविटी विद इन कितने यूट्यूबर के साथ है। तो बात करूं मैं, टेक्निकल योगी तक के साथ मेरा कनेक्टिविटी है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, बेशक मेरा सब्सक्राइबर बेस नहीं है। अगर मुझे आज कोई दिक्कत है तो मेरे साथ वो 24/7 खड़े हुए हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं क्यों ऐसा आगे बढ़ा, तो भाई आप में अगर पैसा कमाने का लगन है तो भाई मैं गया था स्पॉन्सरशिप पे। ठीक है, मेरा जितना ज्यादा यूट्यूबर से कनेक्टिविटी हुआ, उन्होंने मेरी कंडीशन को समझा या उन्होंने मेरे ऊपर दया भावना दिखाई, कुछ भी आप उसको कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, बट फिर वहां से क्या हुआ, विद इन स्पॉन्सर आया, मैंने एक एक महीने में अर्निंग की बात करूं तो लगभग 3.5-3 लाख रुपए मैंने एक एक महीने में कमाए, शायद कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। और विद इन एक एक दिन की अर्निंग बात करूं तो मैंने एक दिन में भी आज की डेट में 50,000 रुपए कमा चुका हूं। ठीक है, मेरे 3.5 लाख एक एक महीने, भीड़ देख लीजिए कितनी हो गई। अगर आप अर्निंग की बात करोगे सारे क्रिएटर्स ही हैं। आपका चैनल सर नित्या के सपोर्ट है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप, मैं अभी ये लाइव मोटिवेशन चल रहा है इनके यहाँ पे जितने क्रिएटर्स। अगर आप अर्निंग में जाओगे सर तो आप पता करना चाहो, मैं दूर नहीं रहता हूँ यहाँ से, लगभग 12-15 किलोमीटर घर बता दियो भाई, पहुंच जाएंगे सर। 15 किलोमीटर दूरी मेरा घर है सर, किसी को दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत नहीं, जब बहुत भीड़ लग जाएगी दिक्कत हो जाएगी। सुनिए मेरी बात, सीरियस होते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप स्टार्टिंग में फर्स्ट स्पॉन्सरशिप कितने का मिला था? देखो ये तो हम देख पा रहे हैं, इतना तो मैं पहला स्पॉन्सरशिप मैंने किया था टीचमेंट का, मुझे 1 लाख व्यूज का बोला गया था, 6,000 रुपीज देंगे। कंपनी बोल रही थी आपका चैनल देख के लगभग 20 दिन में भी आप नहीं कर पाओगे, तो मैंने उनको 6-6 दिन के अंदर 1 लाख व्यूज दिया था और वो 6,000 का मेरा फर्स्ट अर्निंग था जो मैंने टीचमेंट से किया था। उसके बाद मुझे हायर किया अन अकेडमी ने मुझे एक वीडियो के लिए स्पॉन्सर दिया 2,000 रुपए, पर मैंने उनको स्पॉन्सरशिप के लिए मना कर दिया। आप समझना, मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए उन्हें मना कर दिया कि मैं 2,000 पैसे कम दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो उस समय मेरा व्यूज बहुत अच्छा आता था, तो मैंने बोला कि मेरे को वीडियो का व्यू चाहिए, 5,000 रुपए एक वीडियो का चाहिए। उन्होंने कहा आपका बच्चा आएगा नहीं आएगा, मैंने कहा सर बच्चा आएगा या नहीं आएगा मुझे उससे मतलब ही नहीं है, आप कोई विश्वास नहीं करेगा। 8,000 सब्सक्राइबर के चैनल पर मैंने एक वीडियो के 5,000 रुपीज पेमेंट की थी मैंने अन अकेडमी। ठीक है, 8,000 सब्सक्राइबर बेस पे। और उसके बाद क्या हुआ, अनअकैडमी से मेरा ये सफर चला, आज मैं अनअकैडमी, कुकू FM, ऐसे बात करूं तो लगभग 21 से ज्यादा कंपनियों को मैं प्रमोट करता हूं डेली लाइफ में, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और आप देखिए, मैं यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरा आदत क्या है कि मैं क्लियरिटी से कुछ चीजें समझाता हूँ, और यही पॉइंट है कि आज आप इतने सारे ऑडियंस है और आप लोग देखते हैं। देखो हम लोग बात जरूर कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही जैसा कि बोला कि भाई का चैनल मोनेटाइज नहीं है, फिर भी ये लैक ऑफ अर्निंग मंथली कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि स्पॉन्सरशिप होता क्या है। आपने तो बोल दिया कि स्पॉन्सरशिप से मैंने इतने पैसे लिए। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, मैं इसके बाद मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी आपके मान लो कि जो भी यूट्यूब चैनल है जिस भी कैटेगरी में है, वो चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, अगर उस चैनल पे ऑडियंस है, अगर आपके 5,000-10,000 सब्सक्राइबर हैं और कुछ व्यूज आ जाते हैं, जैसे कि 5,000-10,000-20,000 ऐसे व्यूज आ जा रहे हैं आपके चैनल पे, तो आप अर्निंग कर सकते हैं। अब कैसे अर्निंग कर सकते हैं, जब आपकी वीडियो वायरल होती है तो क्या होता है कि कंपनी की मार्केटिंग की टीम बैठी हुई होती है, वो चेक करती रहती है कि कौन सा इन्फ्लुएंसर वायरल हो रहा है, कौन सा यूट्यूबर, कौन सा क्रिएटर का वीडियो ज्यादा चल रहा है। अब क्या होता है कि जो मेल आईडी हम देते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि अबाउट सेक्शन में अपनी मेल आईडी दीजिए, अपना कॉन्टेक्ट दीजिए या फिर अपना इंस्टाग्राम दीजिए, जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें।
अब जब आपकी वीडियो वायरल होती है तो ऑटोमेटिक आप देखते होंगे कि जब आप अपना YouTube ओपन करते हैं तो रैंडमली बहुत सारी वीडियोज आपके सामने आती है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज आएंगी। अब जब वो बहुत सारी वीडियोज आती हैं आपके सामने, वैसे ही कंपनीज के मार्केटिंग के टीम बैठे हुए रहते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मतलब फाइनेंस का है तो फाइनेंस से, अगर बिजनेस का है तो बिजनेस से, फूड रिलेटेड तो फूड रिलेटेड, वो रिसर्च करते रहते हैं कि इस फील्ड में कौन सा क्रिएटर, कौन सा इन्फ्लुएंसर वायरल हो रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि ये लाख रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो चैनल तो इनका मोनेटाइज नहीं हुआ या आपने नहीं कराया, वो भी चीज आपसे पूछेंगे, लेकिन इनकी जो वीडियो चलने लगी उसके कारण इनको स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। अब स्पॉन्सरशिप का मतलब यही होता है कि हम आपको वीडियो बना के देंगे और आप हमें पैसे दो। अब उसके लिए चाहे जिस तरीके से आपके व्यूज आए, मिनिमम अगर 5 से 10 हजार व्यूज आ रहे हैं तो 7 से 8 हजार रुपए आपको जो है सो मिनिमम मिल जाता है स्पॉन्सरशिप। अब भाई एक बात करेंगे कि आपके एक चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर हैं, एक पे 40,000 हैं और एक पे कितने हैं, 65,000, एक पे 65,000 है, तो इन तीनों में से आपका चैनल क्यों नहीं मोनेटाइज हुआ और आप YouTube से क्यों नहीं आते हैं? स्पॉन्सरशिप तो चलो ठीक है, लेकिन YouTube से आपको रियलिटी बताऊं तो सर ये बात आप भी जानते होंगे, एक छोटा जो क्रिएटर होता है ना उसको यूट्यूब अर्निंग जो होती है वो ना के बराबर होती है, इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप क्या हुआ कि YouTube ने एक फीचर लॉन्च किया था अभी शॉर्ट्स को जो है वो मोनेटाइज करवाने का, तो जिसका चैनल मोनेटाइज था ना वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था कि आप इसको रिव्यू में भेज सकते हैं और रिव्यू एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन आया था, सर सभी के पास आया था। तो क्या हुआ, मेरा जो 65,000 वाला चैनल था, मैंने क्या करा कि जब मैं वीडियो डालता था तो मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन का इतना नॉलेज नहीं था। मैं क्या सोचता है कि जो भी टॉपिक, मतलब जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर वो टॉपिक चल रहा है तो मैं ही सर्च करता था उसके कीवर्ड्स कौन कौन से चल रहे हैं, मैं उठा के सारे कीवर्ड्स डाल देता था डिस्क्रिप्शन में। क्या हुआ, मैंने जैसे रिव्यू एंड एक्सेप्ट किया तो मुझे ये चीज पता नहीं थी, ये चीज बाद में पता लगी मुझे जब मैंने टैग के बंदों से मेटा डेटा मिसलीडिंग का, तो मैं हाँ, तो मुझे क्या हुआ कि उन्होंने जो है मेरा एडसेंस जो है वो रोक दिया, उन्होंने बोला कि अब जो है आपका डिस्क्रिप्शन की वजह से दिक्कत है। तो ये मेरा परसों ही आपके जैसे क्रिएटरों ने ठीक करवाया है, तो वो ठीक होने के बाद फिर से मैंने अभी मोनेटाइज हो गया। मतलब मंथली कितनी अर्निंग कर ले रहे हो अभी? सर मैं बात करूं वैसे तो क्रिएटर कोई बताएगा नहीं, पर मैं नहीं बता दो, देखो ये मोटिवेशन है इन लोगों के लिए भी, दिखाइए जरा, देखिए कितने सारे क्रिएटर है अभी के लिए, सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है तो बताइए, बिल्कुल बिना चैनल मोनेटाइज कराए, बिना चैनल मोनेटाइज कराए कितने रुपए कमाते हैं मंथली? मतलब मैं अगर अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो आज भी मैंने लगभग 10,000 की अर्निंग की है, सोचो ये अपने आप में कितनी बड़ी मोटिवेशन है। वो ये मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, एक भी वीडियो मेरा नहीं गया है, एक भी वीडियो नहीं है किसी भी चैनल पे आप देख लो, और लगभग 10,000 रुपए का अर्निंग मैंने हिट कर दिया है। ये होता है ट्रिक, जरूरी नहीं है कि आप किसी के वीडियोस देख रहे हैं, हमारे वीडियोस बना के ही पैसे कमाएं, ठीक है, इस तरीके से भी कमा साथ सकते। साथ जो है बहुत सारी चीजें चालू की, आपके पास जब YouTube ऑडियंस हो जाता है तो मैंने अपना वेबसाइट ओपन किया, बिल्कुल 100% वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट के साथ साथ मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग बहुत सारे जो है 1,000 स्टूडेंट करके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप फुल कर रखे हैं बहुत सारे, किसी की भी वीडियो मैं चाहूँ तो मिनटों में वायरल करवा सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या है, मैं अगर एक पॉइंट में आपको समझाऊँ, अगर आपके पास ट्रैफिक है, अगर आपके पास लोग हैं आपको देखने वाले, तो आपके पास अर्निंग की कमी नहीं है। जरूरी नहीं कि यूट्यूब के ऐड आए तभी आप पैसा कमाओगे, जैसा भाई ने बताया वेबसाइट से कमा सकते हैं, ट्रैफिक बेच के और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप बिजनेस में कन्वर्ट करके पैसे कमा सकते हैं। कंपनी मिलेगी वो ये बोलेगी आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक डाल दो आपको हम 1,000 पेमेंट करेंगे, पेमेंट पहले मिलेगा लिंक बाद में डालना है। आप टेलीग्राम पे हो, 15,000 स्टूडेंट है, क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, कंपनी बोलेगी मेरे ऐप का। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने बताया कि टेलीग्राम में एक लिंक डालना है, तो लिंक तो वही जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसका, तो एक लिंक डालने का क्या, सोचो एक लिंक बस कॉपी करना है और लिंक को पेस्ट करना है, इसका कितना पैसा लेते हो? लगभग 2,000 रूपए। अब सोचो की कितने सेकंड का काम है, 2 सेकंड में भाई 2,000 रूपए कमा लेते हैं। तो नॉर्मली ये कहा जाता है ना स्मार्ट वर्क का पावर जो है, ये कहा जाता है कि ऑनलाइन अर्निंग की पावर है कि 2 सेकंड में 2,000, कौन सा बिजनेस, कौन सा जॉब आपको 2 सेकंड में 2,000? सीट अकेडमी पे तो मैं उस पर बिना प्रमोशन का वीडियो ही नहीं डालता हूँ, आप जाकर देखना, आज से लगभग पिछले 500 वीडियो आप देखोगे तो मैंने एक भी वीडियो जो है एडसेंस बिना पैसे डाला, बिना पैसे लिए, बिना पैसे डाले मैंने आज तक कोई वीडियो ही नहीं डाला। और कभी ऐसा दिन था, मैं नहीं बोलूंगा, इसी इलाके में मैं डिलीवरी करता था पिज्जा की, और यही डोमिनोज है दरियागंज में, आप जाकर मेरे बारे में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। दरियागंज डोमिनोज में ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल पहले ही भाई पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे हैं यहाँ से, अगर आप पैदल जाओगे तो 5। अब आप सोच सकते हो कि पिज्जा डिलीवरी का काम कौन करेगा जो फाइनेंशियली बहुत वीक होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 साल में कितना ग्रो किया। अच्छा आप भाई एक बात बताओ, नए क्रिएटर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं नए क्रिएटर्स के लिए यही बोलूंगा, देखो आपको नंबर ऑफ वीडियोस
ज्यादा डालना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि एक कैटेगरी में एक यूट्यूबर काम कर रहा है, उसमें जो इतनी भीड़ है कौन आएगा देखने। तो आपको पता होगा कि जो इंडिया चीन से भी आगे निकल गया है, तो मोबाइल की कमी नहीं है, यूट्यूब हर किसी के पास है, फेसबुक इंस्टाग्राम किसी के पास हो या ना हो, उसकी आईडी हो या ना हो, यूट्यूब मोबाइल में डला हुआ मिलता है, हर किसी के पास है। इसके लिए आपको परेशान ही नहीं होना है, सिर्फ कंटेंट बनाने पे ध्यान दो। आप कुछ भी करो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप क्लिक बेट दो, आप कुछ भी करो, सिर्फ वीडियो के ऊपर आप जो है पॉपुलेशन आपकी आनी चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। स्मार्टली अगर आप काम कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। और दीपक भाई बहुत ही अच्छा लगा मिलके आपसे, आपसे बहुत जो हमारे न्यू क्रिएटर्स हैं वो बहुत मोटिवेट होंगे और बहुत उन्हें अच्छा लगेगा। और बाकी आप क्या कहना चाहेंगे लास्टली ऑडियंस से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा, देखो भाई जितने भी लोग आप मेहनत कर रहे हो, भगवान आपको देखो सबको सफलता दे, मेरा कहने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक चीज बहुत सवाल रहता है यहाँ पर, दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, इसमें क्या होता है कि एक साल तक बहुत लोगों को लगता है कि अगर चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप काम कर सकते हैं, आपका चैनल एक साल बाद भी मोनेटाइज हो। अब ये देखो, ये मेरा चैनल है दीपक सिंह ब्लॉग्स के नाम से, लगभग 40,182 सब्सक्राइबर है, 7 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला है, 7 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला है। पहला वीडियो मैंने इसमें शूट किया था, विश्वास नहीं करोगे, सौरभ जोशी ब्लॉग्स के साथ, सौरभ जोशी ब्लॉग्स के साथ मेरा पहला वीडियो था, फिर भी अर्निंग हो रही है, वायरल हुआ था, लगभग 1.5 लाख व्यूज के ऊपर आया था। जी बिल्कुल, बिल्कुल बात करेंगे इस वीडियो को दोस्तों, यही पेंट करते हैं, काफी भीड़ लग गई है देख सकते हैं। और एक मिनट बस करते हैं, और दीपक भाई बहुत अच्छा लगा, और भाई के चैनल का मेंशन करूंगा मैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अरे पैर मत छू भाई, देखो इन्हीं को देख के मेरा सीधा है, मैं रियलिटी बताऊं, अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं, टैग में आपको सब बेवकूफ बना रहे हैं, आप किसी की बात पे विश्वास मत करो, आपको सर देंगे क्यों, देखो आपको कब है, बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे 4-5 व्यू आ रहे हैं, क्लिक करो 2,000 आने लगेंगे, 5,000 आने, कभी नहीं आएंगे। अगर आपको रियलिटी देखनी है तो आपको आना पड़ेगा और एक बंदे को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो दीपक भाई, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज देखो जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, वो गुरु को ही भूल जाते हैं, फिर उन्हें ये मतलब नहीं रहता कि यूट्यूब पे कौन हमें क्या सिखा रहा है, पैसे आने लगे बस काम खत्म। लेकिन ये आप में बहुत अच्छी बात है, आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव का ब्लॉग बना रहे हैं, आपके आपके टॉपिक पे बात करेंगे, पहले इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। तो दीपक भाई बहुत अच्छा लगा मिलके, और इनके चैनल को मेंशन करूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।